हमीरपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा के कटार नदी पर सेल्फी पॉइंट पर नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके शव को गोगुंदा हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाकर सायरा पुलिस को सूचना दी है। मिली जानकारी के अनुसार इसवाल आरएसीबी में कार्यरत राजवीर जाट अपने 3 दोस्तों के साथ कटार नदी पर नहाने गया था, जहां झुंझुनू निवासी विकास शर्मा का अचानक नदी किनारे पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। तभी अचानक राजवीर भी उसके बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। अन्य साथियों के चिल्लाने पर दोनों दोस्त व आसपास खड़े लोगों ने राजवीर को तो बचा लिया, लेकिन विकास शर्मा की पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर गोगुंदा थाने के एएसआई विनस कुमार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों व सायरा पुलिस को सूचना दी, जिस पर सायरा थाना अधिकारी नाथू सिंह गोगुंदा हॉस्पिटल मोर्चरी पहुंचे, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवा सब परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटार की तरफ वहां पे क्या पानी में नदी के पास में खड़े थे, उसका पैर फिसल गया नदी में, वहां पानी में डूब गया। इसने राजवीर है, इसने साथ में उसको बचाने का प्रयास किया, तो प्रयास किया तो ये डूबने लगे, इसको साथ वाले ने बचाया, आस पड़ोसी ने बचा दिया, इसको बाहर निकाला। और ये सर्कल क्या वहाँ थाना सायरा का लगता है, ठीक है, तो सायरा वाले बता दिया। हम 4 दोस्त घूमने गए थे सर, तब वहाँ पे नदी के किनारे थे तो एक दोस्त का पैर फिसल गया, पैर फिसलने से नदी में गिर गया। इसको बीच बचाओ में मैं भी कूदा, मैं भी डूबने लगा, मेरे को संतोष ने और टावल फेंक के बाहर निकाला, मैं नदी के बहाव के पास था। फिर एक दोस्त और थे, वो उसको निकालने के लिए गए और आस पास आवाज़ लगाई तो आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने बाहर निकाला, फिर हम पेड़ को दबाया, पानी वानी। लोकल न्यूज़ वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।